हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज मैं एक तमिल मूवी ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है गार्गी, और इसके अंदर हमें साई पल्लवी नजर आने वाली है, और जो हम जानते हैं कि बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है। तो देख लेते कि इस ट्रेलर में क्या है गाइज, और फिर करेंगे चर्चा। चलो ब्रह्मानंदा डॉक्टर। இப்படி சொல்றதுமே தெரியல. ஒரு நாள் எங்க மொத்த வாழ்க்கை மாறிச்சு. நீங்க எந்த ஊரு சார்? நான் ஒரு டீச்சர், சென்ட் பீட்டர் ஸ்கூல்ல தான் வேலை செய்யறேன். நாங்க தூத்துக்குடியில இருந்து வந்திருக்கோம். டீச்சர் ஏ? பொண்ணுக்கு அம்மா என்ன கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, உப்மாவா? கல்யாணத்துலயாவது வேற மெனு இருக்கா, இல்ல உப்மா தானா? உப்மா. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க தம்பி, சுட சுட உப்மா தரேன். ஒரு நாள் எங்க மொத்த வாழ்க்கை மாறிச்சு. அப்பா போல வேற பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, எங்க வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. அரெஸ்ட் இல்லையா உஸ்கே பாப்பா கோ? ஏதோ எங்களுக்கு ஆள் கிடைக்காம உங்க அப்பா அரெஸ்ட் பண்ணிருக்க முடியும்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஃபாலோ பண்ணி வாட்ச் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் அரெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அப்பா பாக்கோ. அப்பா எப்படி பாயிருக்கா? பேச முடியாதுமா? நீங்க பாருமா, மீடியாக்குல நியூஸ் லீக் ஆகுது, ஊரை விட்டு போயிடு. சார், ஒரு சந்தேகம். அப்பா பாக்கணும். ராகி, விஷயம் கை மீறி போச்சுன்னா அப்புறம் யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கால் மீ. என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? வணக்கங்க. ஆக்சுவலாக என்னோடய ஃபுல் நேமு இந்திரன்ஸ் கலியபெருமாள். என்ன வேலை பார்க்குறேன்? ஆறுலேருந்து ஆறரைக்குள்ளே உங்கள் கிளைண்ட் எங்கே இருந்தார்? அலபி இருக்கா? வேற இல்லையா? ஆறுலேருந்து ஆறரை டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் மண்டேலையும் எதுவும் இல்லை, கையில் எவிடன்ஸும் இல்லை. உங்களுக்கு ஓகேன்னா உங்கள் அப்பா கேஸை நான் எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு ஏதோ தப்பாப்படுது. நம்ம ஒரு அடி முன்னாடி எடுத்து வச்சா நாலடி பின்னாடி வர மாதிரி இருக்கு. நாளைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு வரும், விதிப்படி நடக்கட்டும். நீ நேரம் காலம் விதி எல்லாத்தையுமே நம்பு. என்ன நம்பாத? ஏன்னா நான் பையன் இல்ல, பொண்ணு தானே. நீ கேஸே இல்லாதவங்க கூட என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு கேஸ் கிடைக்கும். நீ யாரோட பொண்ணு? இதுக்கெல்லாம் பயப்படலாமா? ஒரு நிமிஷம் அப்பாவை நினைச்சுக்கோ, தைரியம் தானா வரும். July 15. ओके भाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। और अगर मैं ट्रेलर को साइड में भी रखूँ तो यार, साई पल्लवी की जो एक्टिंग है, सीरियसली गाइज, मतलब इस पूरे ट्रेलर में अगर बस आप ये ट्रेलर किसी को दिखा दो ना, तो फ़ैन हो जाएगा यार साई पल्लवी का, क्योंकि इतनी बेहतरीन एक्टिंग। मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई भी इमोशन को मिस हिट किया है, कहीं ना कहीं एकदम परफेक्टली पॉइंट टू पॉइंट हिट किया है। चाहे वो स्टार्टिंग में जिस हिसाब से वो लाइट हार्टेड सा उनका लग रहा था कैरेक्टर, की भाई बहुत ज़्यादा खुश वाला कैरेक्टर है वो, उसकी खूबसूरती को कैप्चर करना हो, या फिर आगे जाके जब वो इमोशनल हो जाती है, सैड हो जाती है और ब्रेक डाउन उनके होते हैं, उसकी इंटेंसिटी को दिखाना हो, मतलब परफेक्टली, एक तो परफेक्टली कैप्चर किया गया है, और उन्होंने जो एक्टिंग की है ना, सही में गाइज, मतलब हर एक इमोशन को उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है सिर्फ इस ट्रेलर के अंदर ही। तो मानना पड़ेगा कि वो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है कि उन्होंने एक ट्रेलर के अंदर इतने सारे इमोशन दिखा दिए, इतनी परफेक्टली दिखाए हैं। और सही में मतलब अगर कोई भी देखेगा तो वो ये मूवी देखने के लिए मतलब एक्साइट हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे वैरायटी ऑफ इमोशन एक ट्रेलर के अंदर उन्होंने दिखा दिया ना, सही में गाइज बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर ट्रेलर की बात करें तो पता नहीं कि
उनके फादर को कैप्चर क्यों किया गया, पहली बात तो जेल क्यों हुई है इसमें कुछ नहीं बताया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम जो स्टोरी होगी इसके अंदर वो मतलब उसका जो मेन जो बेसिस होगा वो नहीं होगा कि भाई उनके पापा को हुई क्यों है जेल। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये उनकी जर्नी ज़्यादा है, गार्गी की है ना एज ए कैरेक्टर, उनकी जर्नी ज़्यादा है उसके अंदर। ऑब्वियसली वो उनकी जर्नी स्टार्ट ही हुई है क्योंकि उनके पापा को जेल में डाल दिया गया है। और रीज़न क्या है, ऑब्वियसली हो सकता है कि लास्ट तक जिस हिसाब से केस चल रहा है ऑल ओवर पूरे स्टेट में वो केस बन जाता है और कहीं ना कहीं हर कोई उस चीज़ को देख रहा होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो मेरे ख्याल से शायद मूवी के एंड में पता चलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो जर्नी होगी कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर की होगी जर्नी गार्गी की, कि वो इस पूरे जर्नी में कैसे इमोशन फेस करती है, क्या क्या चीज़ें फेस करती है और उसको कितने लोगों का साथ मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि इसमें तो सिर्फ अकेली नज़र आ रही है वो, और किस तरीके से वो इस बैटल को लड़ती है और एंड में क्या वो अपने पापा को छुड़ा लेती है या नहीं लेती। और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये रियल स्टोरी पे है, अब ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेज में तो रिलीज़ हो रही है मेरे ख्याल से, शायद हिंदी में नहीं हो रही लेकिन आई थिंक तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी हो रही है और कन्नड़ा में भी हो रही है, तो चार लैंग्वेज में रिलीज़ तो हो रही है, हिंदी का पता नहीं। तो बेहतरीन गाइज, अब शायद यहाँ पे लग जाए तो देखने मिले, लेकिन सही में ट्रेलर वाइज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इम्पैक्टफुल लग रहा है, परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन लग रही है और जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर है कहीं ना कहीं एकदम जस्टिफाई हो रहे हैं हर जगह ना, मतलब भले ही वो कोई भी वकील हो, जज हो या फिर वो मीडिया पर्सन हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं फिट हो रही है ऐसा लग रहा है स्टोरी के अंदर। और ऐसा लग रहा है कि उन सबको कहीं ना कहीं एक ओवर शेडो कर रही है ना वो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली साई पल्लवी की, और जो अच्छा भी है क्योंकि उनका ही मेन कैरेक्टर है और वो इतना दमदार होना चाहिए कि भाई वो बाकियों को कहीं ना कहीं बोलते ना कॉम्प्लीमेंट कर जाए हर जगह, क्योंकि वो किसी भी सीन में थी ना वहाँ पे बहुत जच रही थी, और जो मैंने कहा कि उनके सारे इमोशन एकदम रियल लग रहे थे और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस लग रही है उनकी। अब पता नहीं, इसके लिए अवार्ड्स तो मिलने चाहिए उनको। तो मैं तो बहुत इन्जॉय किया गाइज, और बहुत अच्छा ट्रेलर बनाया है और बहुत अच्छी मूवी भी लग रही है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।